हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेसी। फ्रेंड, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन स्टैम्प के बारे में बताने वाला हूं, जो आप कलेक्ट करके आप उससे अर्निंग कर सकते हैं और उससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप कैसे इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं और कैसे आप इस तरह से आप इस स्टैम्प से आप प्रॉफिट कर पाएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस स्टैम्प के बारे में। तो इस स्टैम्प की जो नाम है वो डॉक्टर डी आर गटगिल इंडियन पोस्टेज स्टैम्प है, जिसे 2008 में रिलीज किया गया था। 2008 में इस स्टैम्प की जो प्राइस थी वो सिर्फ 5 रुपये थी, यानी 5 रुपीज़ थी। बट अभी 2023 में इस स्टैम्प की जो करंट प्राइस है वो 120 रुपीज़ हो गई है। तो फ्रेंड, ये स्टैम्प आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यदि आप 2008 में इस स्टैम्प को अगर आप कलेक्ट किए होते तो अभी 2023 में आप इस स्टैम्प से 150 रुपीज़ का आप इसमें इंक्रीज कर पाते। तो फ्रेंड, यदि आप अभी भी इस स्टैम्प को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आप अब आफ्टर 3 ईयर्स में आप इस स्टैम्प से ज़रूर प्रॉफिट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस स्टैम्प को कब रिलीज की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं इस स्टैम्प को कि कब रिलीज की गई थी। तो इस स्टैम्प को 8 फरवरी 2008 को रिलीज किया गया था, जिसका नाम डॉक्टर डी आर गटगिल इंडियन पोस्टेड स्टैम्प रखा गया था। ये स्टैम्प का इमेज है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 2008 में इसकी जो प्राइस थी वो 5 रुपये थी, मैंने आपको बता दिया है। और 2008 में इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि इस स्टैम्प को किसके द्वारा रिलीज किया गया था और क्यों रिलीज किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। धनंजय रामचंद्र गटगिल, इनका जो जन्म हुआ था वो 10 अप्रैल 1901 में हुआ था और इनको डी आर गटगिल के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज ए इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड प्रोड्यूसर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रोड्यूसर थे और ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिया के ये जो योजना आयोग के ये चेयरमैन भी थे। ही हैज़ ए कंट्रीब्यूट ए लॉट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। फ्रेंड, ये महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव मूवमेंट में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। फ्रेंड, ये महाराष्ट्र के जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थे उसके विकास में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, यानी जो सहकारी आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़ा विकास में उसके योगदान दिया है। ऑन दिस ओकेजन इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने एक इश्यू किया इंडियन स्टैम्प, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था 2008 में। फ्रेंड, अब जान लेते हैं इस स्टैम्प के एट्रीब्यूट के बारे में कि इस स्टैम्प को किस कंट्री में रिलीज किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर इस स्टैम्प का जो कंट्री ओरिजिन है वो इंडिया है। सेट टाइप स्टैम्प है, रेजियर 8 फरवरी 2008 है। ज्योग्राफी जो है सिंगल कंट्री है। स्टैम्प कंडीशन ही न्यू है। फ्रेंड, आप न्यू स्टैम्प को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप इस स्टैम्प से अर्निंग कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले आपको अपनी गूगल ओपन कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब गूगल ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको वहाँ पे फ्लेसी लिखना है। फ्रेंड, आप जैसे ही गूगल ओपन कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लेसी आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे फ्लेसी आपको मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड, आप जैसे ही यहाँ पे फ्लेसी सर्च कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लेसी पर आपको क्लिक कर लेनी है। फ्रेंड, आप जैसे फ्लेसी पर आप क्लिक करते हैं ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा और आप इस वेबसाइट से बहुत सारे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडियन स्टैम्प मिनिएचर सीट। आप जो भी आप यहाँ पे इस स्टैम्प आप जो भी इस वेबसाइट से आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं और उससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड, जिस स्टैम्प के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड, आप जैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे जिस स्टैम्प के बारे में बता रहा हूँ डॉक्टर डी आर गटगिल के बारे में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। अब जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और इस स्टैम्प का जो करंट प्राइस है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि 120 रुपीज़ हो गई है। और इस स्टैम्प का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेनी है। आप जैसे ही ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा। नया स्लाइड में फ्रेंड आपको यहाँ पे आ गए, आप शॉपिंग कार्ट में आ गए हैं। शॉपिंग कार्ट में फ्रेंड आपको यहाँ पे क्वान्टिटी चूज करने के लिए दिया हुआ है। अब जितना क्वान्टिटी चूज करना चाहते हैं, यानी जितना आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करना चाहते हैं 1, 2, 3, 5 वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड, ये क्वांटिटी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे आपको क्लिक कर लेनी है। अब जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स फिल करनी है। बिलिंग डिटेल्स में फ्रेंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपको टाउन, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ऑर्डर नोट में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेपल पे क्लिक करनी है।
आपको जैसे प्रोसीड टू पेपर पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ओपन हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट में आपको फ्रेंड यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक पेपर है, एक क्रेडिट कार्ड है। आप जिससे भी करना चाहते हैं बाई इस स्टैम्प को आप उससे कर सकते हैं। फ्रेंड यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करनी है। क्रेडिट कार्ड में आपको फ्रेंड यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, कार्ड कोड यानी CVC कोड आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देनी है। अब जैसे प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करते हैं, ये स्टैम्प आपका ऑर्डर हो जाएगा और हमारी कंपनी आपको इस स्टैम्प को आपके घर तक डिलीवर कर पाएगी। फ्रेंड मैंने आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है कि आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और आप कैसे इस स्टैम्प से अर्निंग कर सकते हैं और कैसे आप इस स्टैम्प से ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।